आगे बोलो, ऑप्शन ए के बाद बोलो बेटा। B1 B2 हो गए, B1 सिर्फ आज डिस्कशन होगा यस क्या? हाँ सर, बेटा, डिस्कशन नहीं होगा। C1 C2 C2 होगा बताना है है। C2 चलो मैं बता देता हूँ क्या है। अरे ये सी तो मोल, टू हाँ बेटा बता रहा हूँ बता रहा हूँ। C2 तो ऐसे क्वेश्चन आपने मोल में भी करे होंगे बेटा, याद करिए क्लास सर। 11th में मोल कंसेप्ट में क्या बोला ट्वेल्थ है, क्या होता है? उसको देख लेते हैं बेटा। अपने पास अमोनिया है NH3, और अपने साथ कौन है, H2SO4 है, नॉर्मेलिटी है 1, और अपने को बेटा क्या गिवन है, वॉल्यूम दे रखी है 30 सेंटीमीटर क्यूब, का मतलब 30 ml वॉल्यूम दे रखी है, और अपने को क्या बोला है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दैट वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट NTP। तो अपन बेटा मोल्स निकाल लें अमोनिया के, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। चलो तो अपन क्या करते हैं, इसके मोल्स निकालने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक बार इसके मोल्स आ गए 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वॉल्यूम एट STP NTP आ जाएगी, ठीक है। और फाइनली क्या हो गया है, जो एसिड की नॉर्मेलिटी बची है वो बेटा बची है फाइनली 0.2 नॉर्मल। अब देखो बेटा मैं आपको इसको क्वेश्चन को मोल से करवाता हूँ, उसको समझे बेटा। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1। इसका वैलेंसी फैक्टर है बेटा 2। इसके वैलेंसी फैक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इधर बताओ बेटा नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर बताओ बेटा, एसिड बेस रिएक्शन है ना, अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो बेटा इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा। मोलैरिटी मुझे पता करनी है H2SO4 की, नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है बेटा 1, तो क्या मुझे H2SO4 की नॉर्मेलिटी दे रखी थी, वहां से मैंने मोलैरिटी निकाल ली, कितना आया बेटा, हाफ मोलार आया, ठीक है। अच्छा बेटा अगर मैं बात करूं इसका वॉल्यूम कितना लिया है इन्होंने, 30 ml, तो बेटा जरा ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बेटा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो बेटा वॉल्यूम कितनी है, 30 ml है, तो उसको लीटर में लेने के लिए मैंने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया बेटा, सॉरी 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गए, मोल्स ऑफ H2SO4 आ गए, ठीक है। अपने को पता है एसिड बेस रिएक्शन जब भी कराते हैं तो अपन H+ और OH- के मोल्स में कराते हैं बेटा, कभी भी अपन एसिड और डायरेक्टली एसिड के मोल्स और बेस के मोल्स में नहीं कराते। तो बेटा जरा यहां से बताओ H+ के मोल्स कितने आएंगे, बच्चों बोलो, इसके दोगुने कर दूं क्या, यस थर्टी अपॉन 1000, ये आ गया आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+। अच्छा बेटा अपने को इतना समझ में आता है, जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो बेटा अपन ये मान सकते हैं NH4 एक्वस जो होगा वो बेसिकली क्या होता है, NH4+ और OH- एक्वस, यही तो होता है बेटा। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ यहां से 1 मोल के बदले 1 मोल OH- आ रहा है क्या अमोनिया से, बताओ बच्चों, क्या 1 मोल अमोनिया से 1 मोल OH- आ रहा है क्या, ठीक है। चलो वॉल्यूम ऑफ NTP ऑफ गैसियस अमोनिया विल बी रिक्वायर्ड टू बी पास इनटू 30 ml ऑफ पॉइंट, ये नॉर्मेलिटी इतनी दे रखी है तो ब्रिंग द एसिड इतना, यानी अमोनिया के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, कोई नहीं। तो मोल्स ऑफ अमोनिया मान लो, मोल्स ऑफ अमोनिया जितने मोल्स ऑफ अमोनिया होंगे बेटा उतने ही मोल्स ऑफ OH- भी होंगे। फाइनली सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ H+ थे बेटा, 3/100। इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो बेटा जरा ये बताओ क्या मोल्स ऑफ H+ रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन आ जाएंगे क्या, बोलो बेटा यस और नो, मोल्स ऑफ H+ रिमेनिंग ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और अपने पास क्या है, इसकी वैल्यू है 30/1000, ये आ गए H+ के मोल जो आपके पास इनिशियली थे। अमोनिया के मोल्स मेरे को पता है नहीं, तो अमोनिया के मोल्स जब नहीं पता है लेट्स कॉल इट कि उसको N मोल्स ही मान लो या A मान लो, बराबर इसके वॉल्यूम इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है बेटा। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर,
तो बेटा H2SO4 की नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.2, लास्ट में बची है मोलरिटी, अपने को निकालनी है। और यहां से क्या आ जाएगा बेटा, बैलेंसी फैक्टर 2। तो मोलरिटी कितनी आ गई, 0.1। यहां से आ गई है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपने को निकालनी पड़ेगी। लेकिन वी टोटल कहाँ से आएगा बच्चों, बताओ? वी टोटल के लिए कुछ दिया है क्या इनको, इन्होंने? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दैट विल बी रिक्वायर्ड टू बी पार्ज इनटू 30 सेंटीमीटर ऑफ वन नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन टू ब्रिंग द एसिडिक टू द लेटर ऑफ 0.2 नॉर्मल। वी टोटल कैसे आएगा? इक्विवेलेंट से करना पड़ेगा क्या बेटा इसे फिर, क्योंकि इन्होंने बी टोटल के लिए तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो इसका मतलब मोल से आप चल ही नहीं सकते। हाँ बेटा, बेटा ये समझ में आ रहा है? मोल से आप इस क्वेश्चन में नहीं चल पाओगे, क्योंकि बी टोटल सॉल्यूशन की चाहिए होगी, तो आप मोल से चल ही नहीं पाओगे बेटा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको बी टोटल गिवन ही नहीं है। आपको इसका तो सोल्यूशन दे रखा है, अमोनिया कितनी सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं ये तो पता ही नहीं है। और अगर किसी के मन में आ रहा है सर वॉल्यूम, तो पूछिए वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन से पूछिए गैस की, तो आप इससे नहीं चल सकते, तो आप इक्विवेलेंट से चलो, फिर इक्विवेलेंट से हो जाएगा। समझ में आया बेटा ये क्यों नहीं कर सकते आप वॉल्यूम से? क्योंकि बी टोटल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो आप क्या करो, H2SO4 और आपके पास अमोनिया है, ठीक है, इनके इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इनिशियली, माइनस इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया, बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 रिमेनिंग बचेगा क्या बेटा, बताओ यस और नो? कैन आई राइट दिस इक्वेशन? बोलो बच्चों। अरे यार कुछ तो बोला करो, यस चैट में लिख रहे हो, यस सर, चलो बढ़िया यस बात है, ये यस तो लिख सकता हूँ ना मैं। चलो अब सर उन्होंने इनिशियली कितना दिया इसके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट्स के बारे में क्या दे रखा है, वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम है 30 ml, तो ये आ गया बेटा इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इनिशियली, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, माइनस इक्विवेलेंट्स ऑफ NH3, इक्विवेलेंट्स ऑफ NH3 मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है बेटा बताओ, 1, बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 रिमेनिंग, तो कितनी नॉर्मेलिटी बची है बेटा इसकी, 0.2 नॉर्मेलिटी बची है, ठीक है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, वही सॉल्यूशन के लिए लो 30। चलो बेटा यहां से एन निकालो फटाफट, कितना आया एन निकाल के बताओ बेटा, 0.8 × 30/100 आया कि 100/1000, तो ये हो गया 10, ट्रिंग ट्रिंग, और क्या हो गया, 24/1000 बराबर मोल्स ऑफ अमोनिया। तो बेटा इतने मोल्स आ गए वॉल्यूम, पूछिए 1000 × 22.4 कर दें, ये आंसर आना चाहिए बेटा, ये आएगी लीटर्स में। देखो बेटा क्या आंसर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, 24 × 22.4, 24 × 22.4, 537, ठीक है, 537.6 इज योर आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा, इसको सॉल्व कर लो, 537.6, दिस इज योर आंसर। ML में आएगा, ध्यान रखना है आप। D1, D2, D3, सर D3 समझा दीजिए, D3, हाँ D3 में क्या डाउट आ गया? ठीक 25 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेटा, ये स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना हो ले लो, फिर आपका D3 में क्या बोल रहे हैं, 25 ml ऑफ Fe2+ वॉट टाइट्रेटेड
विद अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, Fe2+ ऑक्सीडाइज कराए कहाँ जाएगा, Fe3 प्लस में जाएगा, प्लस आपके ऑक्सीजन आए, ठीक है। अब वो अपन ने उसमें किया था, एक बार आप मेटल ए ले रहे हो, मेटल ए, और एक बार आप मेटल बी ले रहे हो और उससे सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन मिल रही है, तो लेट्स कॉल इट कि अपने को मेटल ए जो है कितना ग्राम है बेटा, 1.6 ग्राम है, उससे अपने को हाइड्रोजन मिल रही है बेटा, लेट्स कॉल इट एक्स ग्राम मिल रही है, ठीक है, लेट्स कॉल इट एक्स ग्राम मिल रही है। आप सीधे ही बोल लो एक इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन ले लो, क्योंकि उसने तो दोनों ही बोला है ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन मिल रही है, ठीक है। दूसरे मेटल बी के लिए क्या मिल रहा है बेटा, आप कितना भी मान सकते हो, 1 ग्राम मानो, 2 ग्राम, 3 ग्राम, जो आपकी इच्छा हो वो मान लो। मेटल बी के लिए कितना है ये, 0.96, तो 0.96 से करस्पॉन्डिंग में कितना मिल रहा है, 1 ग्राम, तो यानी 1 ग्राम 1 ग्राम मिल रहा है, यानी जो ये है बेटा वो इक्विवेलेंट वेट ही है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, 1.6 बराबर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना, तो इक्विवेलेंट वेट होता है, अरे व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट वेट, मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर इक्विवेलेंट मास। वेट की बात, इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हैं ना, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, और इसका कितना है बेटा, 0.96, इसका एन फैक्टर मान लो एक्स, और दूसरे वाले का कितना दे रखा है, 0.96, इसका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, वो भी कितना आएगा, एक्स। ये मोलर मास किसका है बेटा, बी का, और ये मोलर मास किसका है, ए का। अब इन्होंने बेटा एक का दे रखा है इक्विवेलेंट वेट कितना, एक का दे रखा है 12, बी का दे रखा है बेटा 12, ठीक है, तो बेटा क्या एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, आ जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ चलो आगे बोलो बच्चों, D1 D2 D3 D4, इवन इवन बताना है क्या, हाँ इवन बताना ही होगा, मुझे लग ही रहा था। सबसे पहले बेटा Fe वो क्या होता है, अमोन मोर सॉल्ट, फेरस अमोनियम, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये होता है बेटा आपका मोर सॉल्ट, इसको लिख लो, मोर सॉल्ट ये होता है, इसका बैलेंसी, यहाँ आयरन कितने में बेटा, +2 में, इसका बैलेंसी फैक्टर होता है 1, क्यों, Fe+2 से बेटा जाता है Fe+3 में, ठीक है, और कुछ ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए इसका बैलेंसी फैक्टर होता है 1, ठीक है। देखो इन्होंने कराया क्या है, एक आपके पास 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का सैंपल लिया है बेटा, आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है, और क्या किया है उन्होंने, उसको 1 लीटर पानी में डाला और उसका सोल्यूशन बनाया, उसमें इन्होंने डाला मोर सॉल्ट। बेटा जरा ये बताओ, आपके पास जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaO Cl2, देखो बेटा साथ में उन्होंने सेकंड लाइन में देखो एक चीज लिखी है क्या, कि साथ में उन्होंने कंटेनिंग इनफ H2SO4, H2SO4 का काम क्या है बेटा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, बच्चों यस और नो, एसिडिक मीडियम में ये कहा जाएगा बेटा, हाँ होगा, अरे हाँ, अरे वो हाइड्रेटेड वाटर का यहाँ काम नहीं है, लिखना लिखना हो तो पूरा ही लिख लो, .6H2, एसिडिक मीडियम में ब्लीचिंग पाउडर कहाँ जाएगा बेटा, Cl2। आपको इतना समझ में आना चाहिए, जितने मोलर ये होएगा उतने मोलर क्या Cl2 होएगी बेटा, जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स Cl2 के भी होंगे,
सेकंड अच्छा रिएक्शन देखो बेटा, Cl2 को आप किससे रिएक्ट करा रहे हो? मोर सॉल्ट से, ठीक है? तो बेटा मोर सॉल्ट से जब रिएक्ट करेगा तो Rn +2 से +3 में चला जाएगा, और Cl2 कहाँ चली जाएगी बेटा? Cl- में, ठीक है? और इन्होंने क्या बोला, एक्सेस ऑफ मोर सॉल्ट, जो कुछ मोर सॉल्ट रह भी गया, कुछ मोर सॉल्ट बच गया, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बेटा? 1। इसको आपने रिएक्ट कराया KMnO4 से, कुछ और कौन सा एसिडिक मीडियम लिया है, ठीक है? तो Mn+2 में चला गया होएगा, और मोर सॉल्ट कहाँ चला गया होएगा? +3 में, ठीक है? अब देखो बेटा, इन्होंने शुरू में मोर सॉल्ट लिया कितना है? 35 ml और 1 मोलर, ये आपने लिया है मोर सॉल्ट। चलो बेटा शुरू हो जाओ, और इसका KMnO4 का क्या है? 30 ml, 30 ml 0.1 मोलर। चलो बेटा कैसे करेंगे, मैं मान लूं इसकी यहाँ पे AML यूज हुई है। बोलो बच्चों, मेन काम है इसको रिएक्शन में लिखना, रिएक्शन में अपन ने लिख लिया, आप तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं। बेटा मान लो इसका AML यूज हुआ है वो, और मोलरिटी कितनी थी इसकी? 35 ml, कहाँ गया? 1 मोलार, 1 मोलार है। तो बेटा मोलरिटी कितनी है इसकी? 1 मोलार। एन फैक्टर बोलो बेटा मोर सॉल्ट का, 1, बिल्कुल ठीक है? तो बेटा यहां से दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दूं मैं, तो बेटा क्या आ जाएगा? मोलरिटी, सॉरी मोलरिटी 1 है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम A/1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 बराबर इसके इक्विवेलेंट। बोलो बच्चों, मोलरिटी को 1/10 लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को 30/1000 लिख सकता हूँ, इंटू वैलेंसी फैक्टर बेटा कितना है? 5। टिड़िंग और टिड़िंग, टिड़िंग और टिड़िंग, तो बेटा ए कितना आ गया बेटा बताओ? 15 ml। यानी टोटल वॉल्यूम कितनी थी बेटा मोर सॉल्ट की? 35 ml। नीचे कितनी यूज हो गई बेटा? 15 20 ml। तो बेटा ऊपर कितनी बची है? बोलो एम बच्चों, 20 ml। मोलरिटी कितनी? 1, और वैलेंसी फैक्टर 1, ठीक है? अब बेटा जरा इन दोनों में इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ, Cl2 का 0 से -1 में जा रही है, तो यहाँ कितना आ गया? 2, क्योंकि क्लोरीन 2 है। तो बेटा क्या इन दोनों पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दूं तो मोल्स ऑफ Cl2 आ गए क्या बेटा? बताओ, मोल्स ऑफ Cl2 आ गए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर 2 बराबर कितना आ गया? मोलरिटी 1 है, वॉल्यूम कितनी है? 20/1000, और इनटू वैलेंसी फैक्टर बेटा कितना आ गया? 1। तो यहां से ट्रिंग ट्रिंग 10 आ गया, 10 से 10 आ गया, चला गया। तो बेटा मोल्स 1/100 आ गए क्या? यानी Cl2 के मोल्स कितने आ गए? 1/100। पूछा क्या इन्होंने क्वेश्चन में? परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन, बेटा कर लोगे परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन? मोल्स ऑफ Cl2 आ गए, ठीक बिल्कुल है? मास निकाल लेना क्लोरीन का, मोलर, और जो ब्लीचिंग पाउडर का मास दे रखा है उससे डिवाइड करके 100 कर देना, ठीक है? करी लोगे आप तो सीधा सीधा दिख रहा है मास कितना आ गया, 71/100, ठीक है? सैंपल का वजन कितना लिया है इन्होंने? 10 ग्राम इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक? चलो आगे बोलो बच्चों, E2, E2 हो गया, F1, करीटू E2 बता करीटू दें क्या? इतना लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो गया। चलो E2 में क्या है बेटा? मिक्सचर है, उसके बाद में क्या कराया है? 20 ml 0.05 नॉर्मल आयोडीन रिक्वायर है फॉर द टाइट्रेशन। तो बेटा आप खुद सोचो, आयोडीन खुद का तो रिडक्शन करेगी और आर्सेनिक को ऑक्सीडाइज करेगी, तो जो आर्सेनिक ऑलरेडी +5 में है उसका ऑक्सीडेशन तो होने से रहा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन तो नहीं ही होएगा, ठीक है? इन्होंने रिएक्शंस भी दे रखी है, पहले मैं रिएक्शन वगैरह लिख लेता हूँ। As2O3 +I2 गोइंग टू As +5 और I-। और फिर क्या है बेटा, जो As2O5 है, द मिक्सचर As2O3 एंड As2 रिक्वायर 20 ml ऑफ
ठीक है, यानी ये कितना दे रखा है 20 ml, और कितना दे रखा है, कहाँ गया, 0.05 नॉर्मलिटी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज डेन एसिडिफाइड एंड एक्सेस ऑफ के आई वॉज एडेड। ठीक है, आपने आई माइनस एड कर दिया खूब सारा, फिर क्या हुआ, सेकेंड वाली रिएक्शन दे रखी है, इसका हो जाएगा रिडक्शन, तो As+3 में चला गया, और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, I2 आ गया। उसके बाद में क्या है, जो आयोडीन लिबरेट हुई है, बेटा Na2 हाइपो का मोलर मास बताओ बेटा कितना होता है, फटाफट कैलकुलेट करो क्योंकि वो जरूरत पड़ेगा अपने को, 0.5H2O, वो कंप्लीट रिएक्शन, ये कहां जाएगा बेटा, I- + S4O6 2-। ठीक है, और क्या दे रखा है, इसका वजन कितना है, 1.116 ग्राम्स, और पूछा क्या है, द कैलकुलेट द मास ऑफ द मिक्सचर। देखो बेटा आप सुन लो, इसमें कैलकुलेशन करते रहना, इसका बेटा एन फैक्टर पता है क्या आपने को, एन फैक्टर है 1, इसका एन फैक्टर कितना है बेटा 2, तो आप इसमें बेटा मोल्स निकाल लोगे वजन के, बेटा साथ में बोलते रहो, आप यहां से मोल्स निकाल लोगे हाइपो के, ठीक है, लेट्स कॉल इट ए मोल्स आ गए हाइपो के, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर बराबर इसके नंबर ऑफ मोल्स बी, मान लो आयोडीन के वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो बेटा आपको ए पता है, 1 पता है, 2 पता है, तो इसके मोल्स आ गए क्या आयोडीन के, आपके पास आयोडीन के मोल्स आ गए। अगर आपके पास आयोडीन के मोल्स आ गए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास ऊपर से जितने मोल्स यहाँ पे आए उतने मोल्स बेटा ऊपर भी बने होंगे, तो जो आयोडीन के मोल्स आए हैं उनमें आप ये लगा सकते हो बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इन दोनों में, तो जब आपको इसका एन फैक्टर पता है, इसके मोल्स पता है, इसका एन फैक्टर पता है, तो क्या बेटा इसके मोल्स निकाल लोगे। यस सर। तो ये क्या आपको इतना समझ में आ रहा है, जो H2O5 है ये टोटल मोल्स आ गए H2O5 के, क्योंकि आपके पास जो इनिशियल मिक्सचर था बेटा उसमें भी तो कुछ H2O5 था, यस और नो बताओ बच्चों, कुछ H2O5 तो आपके पास पहले भी था और कुछ ऊपर वाली रिएक्शन से बना था, लेकिन जो यहाँ पे मोल्स आए वो तो सब जोड़ जाड़ के ही होंगे बेटा, वो तो सब जोड़ जाड़ के होंगे। ठीक है, यहां तक अपने मोल्स आ गए, अब मुझे किसके मोल्स निकालने हैं बेटा ये बताओ, जितने मोल अगर अपन H2O3 के लें, ठीक है, यहां से H2O5 है, क्या उतने ही मोल H2O5 के इस रिएक्शन में बने होंगे बेटा बताओ, हाँ बोलो बेटा, यहां से मैं मान लेता हूं ओरिजिनली इसके ए है, इसके एक्स है और इसके वाई है, तो बेटा जरा यहां बताओ, अगर यहां एक्स है तो यहां H2O5 कितना बना होगा, क्या एक्स बना होगा बेटा बताओ, अरे वैलेंसी फैक्टर दोनों के सेम है भैया, अरे यार ऐसे ही देख लो बेटा बैलेंसिंग से, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से देख लो, इन दोनों के बराबर कर दो, बैलेंसिंग फैक्टर तो दोनों का सेम है बेटा, ठीक है, तो इन दोनों के मोल्स भी तो सेम आए होंगे। अरे समझ में आया क्या, अरे बेटा कुछ चैट में लिख रहे हो, चलो जो भी है कहीं पे भी लिखो, तो मैं मान लेता हूं कि शुरू में इसके थे एक्स मोल्स, यहाँ पे इसके कितने बन गए एक्स मोल्स, अच्छा H2O5 पे कितने थे वाई मोल्स, तो क्या बेटा जो एन टोटल मिला है वो उसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई है क्या। यस सर। ठीक है, अब आपको ये दे रखा है बेटा, तो आप इसका एक्स निकाल लोगे। यस सर। दोनों में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देना, तो बेटा क्या एक्स नंबर ऑफ मोल्स मिल गए आपको, एन टोटल पता है आपको, एक्स पता है, तो बेटा क्या वाई निकाल लोगे। यस सर। तो बेटा आपके पास एक्स आ गया वाई आ गए, तो दोनों के मोल्स पता चल गए। यस सर। मिक्सचर में कितने थे और दोनों के मोल्स पता चल गए, दोनों के मास भी पता कर लोगे कितने थे मिक्सचर में। ठीक है। यस सर। एक बार फिर से सुन लो क्या किया अपन ने,
पहले अपन ने इसके डेटा से यूज करके हमने आयोडीन के मोल्स निकाले, फिर आयोडीन के मोल्स और इसमें अपन ने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया, AH2O5 के टोटल मोल्स निकाले। टोटल मोल्स में कौन होंगे, जितने आपके पास पहले थे इनिशियली प्लस जितने ऊपर वाली रिएक्शन में बने। तो मैंने मान लिया ऊपर से पहले आपके पास ओरिजिनल मिक्सचर में AH2O3 के X और AH2O5 के Y, ठीक है। तो यहाँ X से X बने होंगे तो AH2O5 के टोटल मोल X यहाँ से बने और Y पहले थे, N टोटल आपको पता है। तो आपको एक इक्वेशन क्या आ गई, N टोटल बराबर X प्लस Y। आपने यहाँ से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करके X निकाल लिया तो Y की भी वैल्यू आ गई, X और Y आ गए तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मोल्स आ गए तो मास भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बोलो, आगे कोई डाउट, आगे बोलो बच्चों। F1, F2, F3 पार्ट टू पे आओ बेटा, सेक्शन A1, 2, 3, 4, 5 E2 में डाउट है। अबे E2 तो अभी बताया ही, यही तो है बेटा E2 मेरे बेटा, F2। ओके। 100 ml of K2 silver converted to present any iron, इतना। रुको भैया रिएक्शन लिखने दो फिर मेरे को, और क्या, क्योंकि इस पर रिएक्शन लिखने के बाद ही नजर आता है किसके इक्विवेलेंट बराबर करने हैं। पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ, उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। Fe2+ K2Cr2O7, ठीक है। इन्होंने रिएक्शन बैलेंस करके दे रखी है, अपने को जरूरत नहीं है, अपन इक्विवेलेंट में खेल लेंगे। Fe3+ + Cr3+, ठीक है। और कुछ एक्सेस जो रह गया वो अलग से ट्रीट कराया, K2Cr2O7। ये तो कराया था ना बेटा दो बार वाली रिएक्शन वाला, याद आ रहा है मेरे को, ऐसे तो 3-4 क्वेश्चन किए थे अपन ने, ठीक है। Fe2+ जाएगा Fe3+ में और ये जाएगा Cr3+ में, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है 7.5 ml और 0.01 molar, ठीक है। कैलकुलेट द ppm वो तो अपन बाद में देख लेंगे, और आपके पास 100 ml वाटर का सैंपल है वो भी अपन देख लेंगे। एडिशन ऑफ यानी आपने K2Cr2O7 टोटल लिया कितना है, 25 ml, और आपने लिया है 0.002 molar, ठीक है। ये Fe2+ को तो कन्वर्ट एनी, ठीक है। अरे भैया इसमें क्या दिक्कत हो गई, ये तो बड़ा आसान सा हो गया। मान लो नीचे कितनी वॉल्यूम यूज हो गई, AML यूज हो गई, क्या मान सकता हूँ, बोलो बच्चों, सही है, मान सकता हूँ इसकी AML यूज हो गई। बैलेंसिंग तो बेटा इसका कितना है, 6। मोलरिटी तो बेटा उतनी रहेगी, 0.002, ठीक है। तो इसका आपको बैलेंसिंग फैक्टर पता है 1, तो बेटा क्या A की वैल्यू आ जाएगी, निकाल सकते हैं क्या, चलो निकालते हैं यहीं पे। तो मोलरिटी कितनी दे रखी है, 2/1000 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम AML और इंटू बैलेंसिंग फैक्टर 6 बराबर इसके इक्विवेलेंट्स। तो बेटा मोलरिटी इसकी कितनी है, 1/100, वॉल्यूम 7.5 ml है तो 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इंटू एन फैक्टर कितना है बेटा, 1, चिड़िंग और चिड़िंग और चिड़िंग और चिड़िंग, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या बच्चों, नहीं। तो क्या बेटा यहाँ से ए आ गया अपने पास, ये हो गया 1/5, तो अपने पास ए आ गया 7.5 × 5/6। बेटा ये कैलकुलेट करके बताओ कितनी होती है, मोबाइल से कैलकुलेट करके बताओ, नहीं कर लेते हैं। 7.5 × 5/6, 6.25 लिखा है बेटा। टोटल वॉल्यूम थी कितनी, 25, नीचे कितनी यूज हुई, 6.25, तो ऊपर कितनी यूज हुई है बेटा, 18.75। बैलेंसिंग फैक्टर 6, मोलरिटी 0.02, ठीक है। पूछा क्या इन्होंने,
Fe2 प्लस कितना मिलेगा? तो भैया जरा ये बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बेटा, बताओ। 1। इसके मोल्स अगर मैं A मान लूं तो बेटा इन दोनों में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दूं क्या? A तो नीचे ही मान रखा है, B मान लो। बेटा ये बताओ इन दोनों में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दूं तो नंबर ऑफ मोल्स एक्स आ जाएंगे क्या इसके? अरे बच्चों इसके मोल्स आ गए Fe2 प्लस के। अगर Fe2 प्लस के मोल्स आ गए तो जो क्वेश्चन में पूछा है आप वो कर लोगे क्या? क्वेश्चन में इन्होंने 5 पर मिलियन पूछा है ना, Fe2 प्लस के मोल्स आ गए तो वजन निकाल लेना, ठीक है, आगे कर लेना। आप कर लोगे बेटा? Fe2 प्लस के मोल्स तो आ ही गए, मोलर मास ही तो मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बोलो बच्चों। सर पार्ट टू का D3, पार्ट टू कहाँ है? A3 में भी डाउट है, A3 कहाँ गया? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, ये तो अभी कराए थे क्वेश्चंस। 3 ग्राम ऑक्साइड है मेटल की और मेटल क्लोराइड में कर दिया और 5 ग्राम क्लोराइड मिल गया। भैया मेटल ऑक्साइड और मेटल क्लोराइड में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर कर दो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? मास अपॉन बेटा इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड कितना होता है बेटा बताओ? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। तो ऑक्साइड का 8 बराबर इसका कितना है? 5 ग्राम अपॉन ई प्लस 35.5। भैया नोट से पढ़ लिया करो यार। यस सर। चलो कोई बात नहीं बेटा। और बोलो B1 में भी डाउट है, B1 क्या है? B1 बेटा डेफिनेशन वाला है, अपन को पता है इक्विवेलेंट मास को कैसे डिफाइन करा गया है, एक मोल के करस्पॉन्डिंग। एक मोल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 6×10^23 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वजन आए एक मोल के क्या, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने? आयन इज रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैसे डिफाइन किया गया बेटा? आप डेफिनेशन में देखो इक्विवेलेंट्स के लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते थे? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अपन क्या बोलते थे कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जितना मास डिपॉजिट हो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। और ये बात क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की। तो इक्विवेलेंट वेट पे लिख लेता हूं यहां फॉर्मूले। इक्विवेलेंट वेट क्या था? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये था आपका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और एक इक्विवेलेंट क्या होता है? एक इक्विवेलेंट का मतलब है बेटा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो बेटा जरा ये बताओ अगर ये 1 है तो क्या ये दोनों बराबर रहे होंगे बेटा बताओ? फुल सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मास। अच्छा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे वो तो ठीक है, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो वेट इकट्ठा हो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इतने। इन्होंने दिए कितने है बेटा? 6×10^20। तो इतने कितने मोल्स है इसमें बेटा बताओ? कितने मोल्स है? तो डिवाइडेड बाय 23 कर दूं क्या? अरे इतने इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए ना बेटा, 6×10^20। अरे बेटा एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6×10^23। मैं ऐसा बोल सकता हूँ 6×10^23 बराबर एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यस सर। तो बेटा जरा ये बताओ जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 6×10^20 ये कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? क्या 10^-3 हो गए क्या? यस सर। तो बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कितने हो गए? 10^-3। तो आंसर देखो बेटा कौन सा आ गया? 0.001 सी ऑप्शन बेटा, ठीक है। चलो आगे बोलो B1, B2, B3, B4, C1, C2, D3 में डाउट है, C में कोई है क्या? नो सर।
डी थ्री सी टू। ठीक है बेटा, सुन लिया, आ रहे हैं। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ इतना H2SO, पहले रिएक्शन लिखने दो यार, बिना रिएक्शन के इसमें कुछ नहीं चलता। आसानी लग रहा है वैसे, ये तो इक्वलेंसी उठा के बराबर कर तो देखते क्या है। सर सी टू नहीं, वो डी टू पूछ रहा है। डी टू पूछ रहा है क्या? नो सर, सी टू। चलो सी टू बता देता हूँ। पहले रिएक्शन में लिख लूँ, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या दे रखा है। आपके पास H2SO4 है और आपने क्या लिया है बेटा, फॉर द कंप्लीट रिएक्शन विद द सॉल्यूशन ऑफ प्योर Na2CO3। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है बेटा, हाउ मेनी मिलीलीटर्स, यानी इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है बेटा 0.1 नॉर्मल। वॉल्यूम पता करनी है तो मैंने AML मान लिया। विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन विद द सॉल्यूशन कंटेनिंग, बेटा Na2CO3 का मोलर मास कितना होता है, 106 ग्राम। ठीक है, इतना प्योर Na2CO3 है। तो बेटा इसमें क्या तकलीफ आ गई आपको कंप्लीट रिएक्शन के लिए, इसके बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उठा के बराबर कर दूं बेटा। इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो कितना है सॉल्ट का, 2। इसका कितना है बेटा वैलेंसी फैक्टर, 2। क्योंकि बेटा रिएक्शन क्या होएगी, Na2SO4 प्लस ये बेटा इसको प्रोटोनेट कर देगा, H2CO3 बनेगा, वो किसमें चला जाएगा, H2O और CO2 में। तो बेटा क्या वैलेंसी फैक्टर आपने निकाल लिए। अब आगे देखो बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना होता है, आपको एक वैलेंसी फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मेलिटी दे रखी है ना, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम AML बराबर, बेटा ML में इसलिए 1000 से डिवाइड करा, मोल्स में आता है। यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने आए इसके, 0.125 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना होता है बेटा, 106। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू बैलेंसी फैक्टर कितना है बेटा, 2। तो बेटा क्या ए नहीं आ जाएगा यहाँ से, बताओ। ठीक है, जिन्होंने सी टू पूछा भैया देख लो, ये है सी टू। आगे बोलो D1, D2, D3 पूछा गया है। D3 भी आसान है भैया, रिएक्शन लिख लेते तो आपको नजर आ जाता। चलो देखते हैं, D3 एक कंपाउंड एलिमेंट ABD कंपाउंड में एक एलिमेंट है A जिसको ऑक्सीडेशन नंबर है -N। ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज करा रहे हैं K2Cr2O7 से। ठीक है बेटा, और मीडियम लिया है एसिडिक, तो ये कहाँ जाएगा, Cr3+ में। ठीक है, और क्या बोला है एक्सपेरिमेंट में, इसके मोल्स भी दे रखे हैं (10^-3) बट यूज टू ऑक्सीडाइज। अच्छा, इसके भी मोल्स दे दिए, तो बेटा कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो दे दिया प्रश्न में। और आपको ये भी बोला है कि ऑक्सीडेशन हुआ किसका है, ए का ही हुआ है। तो अपन ऐसा करते हैं बेटा, बैलेंसी फैक्टर प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ दे रहेगा, एलिमेंट ABD-N में है एसिडिक मीडियम में, इसके इतने मोल्स यूज हुए K2Cr2O7 के, इतने मोल्स ऑफ इसके लिए, न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए इज। चलो बेटा इसका बैलेंसी फैक्टर मैं एक्स मान लू। अरे जिसने भी पूछा बेटा कुछ तो बोला करो, इसके वैलेंसी फैक्टर बेटा एक्स मान लिया अपन ने। ठीक है, इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करो, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू बैलेंसी फैक्टर जो कि एक्स है बराबर, इसके कितने आ गए, 1.68 (10^-3) इनटू बेटा बैलेंसी फैक्टर 6 है। तो यहां से बेटा एक्स आ गया आपका, जो भी आ रहा हो एक्स। ठीक है, एक्स आ जाएगा। अब बेटा बात ये है, इन्होंने पूछा है कि फाइनल स्टेट कितनी हो गई, तो मान लो यहाँ पे ए माइनस एन में है और यहाँ पे बेटा ए जो है वो है वाई में। ठीक है, वाई में मान लो, तो बेटा एन फैक्टर कितना आएगा बेटा बताओ, इन दोनों का डिफरेंस, एन फैक्टर क्या आएगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस। क्या आपको एक्स की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुई, पहले तो ये बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ से बेटा, एक्स की ठीक है। चलो, और यही किसके बराबर होएगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल,
वाई माइनस माइनस ऑफ एन, तो बेटा कितना आ गया, वाई प्लस एन बराबर थ्री। उन्होंने पूछा क्या है बेटा, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो बेटा वाई है, वाई कितना आ गया बेटा, थ्री माइनस एन आ गया क्या बेटा, बताओ। यस ऑप्शन आ जाएगा अपना, भैया इनमें पेन चला लिया करो यार, मुंह सूख जाता है बोलते बोलते। चलो और बोलो बेटा, आगे बोलो। पानी पी लीजिए सर, आप पानी का ही सहारा है जीवन में बेटा। इवन ई टू, चलो ये तो मजाक की बात है, डाउट हुआ करे पूछा करो। इवन ई टू एफ वन एफ टू एफ थ्री, गगनदीप जी टी वन पूछ रहे हैं। अरे टी वन में चढ़ाउट आ गया भैया। अगर आपने इक्वल वॉल्यूम ली है तो बेटा केमेनो फोर का एसिडिक मीडियम में बैलेंसी फैक्टर है पांच, और के टू सी आर टू ओ सेवन का बैलेंसी फैक्टर है छह, तो बेटा मोलरिटी बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, तो बेटा इक्वलेंट उसके ज्यादा होंगे जिसका बैलेंसी फैक्टर ज्यादा है। तो बैलेंसी फैक्टर के टू सी आर टू ओ सेवन का बेटा छह है ना, ठीक है, चलो आप कर लोगे शाबाश, ओके सर। तो जिसके इक्वलेंट ज्यादा, क्योंकि बाकी फैक्टर तो सेम ही रख रखे हैं, चलो शाबाश। एफ वन एफ टू एफ थ्री, एफ टू डाउट है, वेट बाई वॉल्यूम पूछा है बेटा। हाँ ये प्रश्न ना वैसे तो इनकम्प्लीट टाइप का है, इनको साथ में यूनिट भी लिखनी चाहिए, कि भैया हमें सपना थोड़ा आएगा कि आप क्या पूछ रहे हो, कि वेट बाई वॉल्यूम तो जितना आप पढ़ते हैं मोल में उसमें तो हम ये यूनिट लेके चलते हैं ग्राम पर एमएल, या हम यूनिट लेके चलते हैं केजी पर लीटर, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो इन्होंने पूछा है ना वो शायद पूछा ग्राम पर लीटर, वो अपने को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी विल चेक कि इन्होंने क्या किस यूनिट में पूछ रखा है, क्योंकि इन्होंने यूनिट तो कुछ बोला ही नहीं है, बस वेट बाई वॉल्यूम बोल दिया। क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इतनी दे रखी है, तो कोई बात नहीं। मोलरिटी क्या होती है बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, 11.2 दे रखी है बेटा, तो अपनी क्या मोलरिटी वन आ गई। अगर बेटा मोलरिटी वन आ गई तो मोलरिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब बेटा आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जीवन में, वरना तो ये एक इक्वेशन से दो तो सॉल्व होने से रहे। तो आप क्या करो बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितनी मान लो, वन, या आप मोल वन मान लो, जो आपकी इच्छा हो वो एक चीज मान लो। तो भैया आप क्या मानना चाहोगे, नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम, जो आपकी इच्छा हो वो मान लो। अगर आपने माना नंबर ऑफ मोल्स वन, तो बेटा मोल आ गए वन, तो वॉल्यूम कितनी आ गई, वन लीटर, ठीक है। एक मोल का वजन कितना होता है बेटा, H2O2 का 34 ग्राम, H2O2 बेटा 34 ग्राम का होता है ना, ठीक है। अब इनका देखो क्या क्या दे रखा है इन्होंने, 3.4, 6.8, 1.7, तो अपने को बेटा ग्राम पर लीटर अगर ये पूछेंगे तो कितना आ गया, 34, 3.4 कैसे आ गया, 34 नहीं आया, 34 बटा 8 अगर ग्राम पर लीटर पूछा है तो, ठीक है। इसका मतलब तो ये तो पता चल गया, ग्राम पर लीटर नहीं पूछा है, ग्राम पर लीटर नहीं पूछा है अगर, तो भैया किसी और से तो ऑप्शन भी नहीं आना फिर, क्योंकि ग्राम पर एमएल लेके देखो बेटा, ग्राम पर एमएल लोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ग्राम बाय सेंटीलीटर, सेंटीलीटर 3.4 आ जाएगा, तो 3.4 आ जाएगा। हाँ ये ऐसे ही करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कोई यूनिट तो दी नहीं है, अब ऑप्शन से ही मैच करा लो जो बन रही हो, ठीक है, ऑप्शन से ही मैच करानी पड़ेगी, क्योंकि भैया देखो ग्राम पर लीटर तो बन नहीं रही है, ग्राम पर लीटर तो बन नहीं रही है, और ग्राम पर एमएल भी कोई यूनिट ऑप्शन के हिसाब से नहीं बन रही है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। आप तो यहां तक निकाल के खुश हो जाओ, एग्जाम में आएगा कुछ ना कुछ हिंट दे रखी होगी, बिना हिंट के थोड़ा होगा भैया, कुछ तो यूनिट दो, सपना थोड़ा आ रहा है हमें कि आप क्या मन में पूछना चाह रहे हो। आगे बोलो बेटा, एफ थ्री एफ फोर, अच्छा परसेंटेज में पूछा है क्या, ओहो
परसेंटेज पूछा है बेटा तो निकल ही आएगा ना परसेंटेज में क्या फिर तो ग्राम पर एमएल में आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज पूछी है ठीक है तो 3.4 आ जाएगा ग्राम पर एमएल परसेंटेज पूछी है ना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्वेश्चन पढ़ लेना मेरी तरह गलती मत करना कि परसेंट पढ़ा ही ना हो ठीक है बेटा परसेंट पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना ठीक है यस सर चलो शाबाश आगे बोलो बच्चों F3 F4 ओके पार्ट थ्री में आओ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 तो है नहीं नालायक मेरी शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ बेटा एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर A1 A2 A3 A4 A5 आप लोगों की शीट में है क्या A6 नो सर A5 तक ही है चलो B1 B2 B3 B4 B3 का सर आंसर लग गया आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या क्या है मेरे पास जो लिखा हुआ है आंसर वो 0.4 लिखा है बाकी सोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ क्या है आपके सामने क्या दे रखा है मोल्स ऑफ KMnO4 ठीक है रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट तो बेटा ये होता है ठीक है इन कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम 1 मोल है बेटा तो ये 1 मोल है तो ये कहाँ जाएगा बेटा +3 में जाएगा और ये +3 से कहाँ जाएगा बेटा बताओ +4 में जाएगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 3 ठीक है और इसका नंबर ऑफ मोल कितना है 1 और क्या पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 तो बेटा इसके A मान लो और बेटा एसिडिक मीडियम में Mn कहाँ जाएगा बेटा +2 में जाएगा अगर Mn नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Mn +2 में जाएगा तो बेटा जरा ये बताओ नंबर ऑफ वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 5 तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर तो कितना आ गया A 3/5 तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा 3/5 0.6 आया yes, और इन्होंने क्या दे रखा है 0.4 इन एसिडिक मीडियम है ना फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम तो इसका तो वैलेंसी फैक्टर 3 ही आएगा और एसिडिक मीडियम है तो Mn +7 से जाएगा Mn +2 में तो उसका वैलेंसी फैक्टर 5 आएगा तो 3/5 0.6 होना चाहिए ना आंसर आपकी शीट में क्या दे रखा है बेटा 0.4 गलत है वो 0.6 आएगा सीधा ही दिख रहा है बेटा 3/5 आएगा yes, sir. ठीक है 0.4 कैसे आ सकता है अगर इन्होंने लिया होएगा वैसे तो वो गलत है क्योंकि कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज बोला है ना कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज में तो बेटा आयरन भी ऑक्सीडाइज होएगा और कार्बन भी ऑक्सीडाइज होएगा तो वो गलत है ठीक है 0.6 आगे बोलो बच्चों C1 C2 D1 D2 D3 D4 D5 D5 E5 अरे D पे रुक जाओ D तक हो गए D7 तक सारे हो गए D5 बताना है D5 में बेटा अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मोर सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है बेटा +1 मतलब 1 आयरन कहाँ जाता है +2 से +3 जाता है बेटा तो वो होता है उसका वैलेंसी फैक्टर तो कंसीडर अ टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है K2Cr2O7 विद एसिडिफाइड मोर सॉल्ट तो बेटा मोर सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर मैं सीधा ही लिख दे रहा हूँ 1 ठीक है आयरन +2 से +3 में जाता है तो ये हो गया ये यूजिंग डाइफिनाइल एज एन इंडिकेटर ठीक है और इन्होंने क्या पूछा है एसिडिक मीडियम है तो बेटा सीआर कितने में जाएगा +3 में जाएगा मोर सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर हो गया 1 तो इन्होंने क्या पूछा पर मोल ऑफ पोटेश कहां गया क्वेश्चन अब पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट तो बेटा इसका कितना मोल लेना है 1 तो इक्विवेलेंस क्या होते हैं बेटा बताओ नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है बेटा 6 बराबर
इसके नंबर ऑफ मोल्स ए इंटू वैलेंसी फैक्टर वन, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 6। पूछा क्या है बेटा इन्होंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट, तो बेटा 6 आ गए अपना, यही आंसर हो गया अपना। ठीक है चलो और बोलो बच्चों, E1 E2 F1 F2 हो गया क्या? हाँ यस सर। चलो शाबाश, फाइनली वी आर डन विद एक्सरसाइज 1। अब एक्सरसाइज 3 पे आओ बेटा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कोई डाउट? 2 डाउट है। 2 में ना आप बेटा डर गए होगे, पेन चलाते ना तो हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने कंफ्यूज क्वेश्चन ही ऐसा दिया है कंफ्यूज करने के लिए। देखो अपने को क्या दिया है, ब्लीचिंग पाउडर दिया है बेटा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से क्या निकलेगी बेटा? Cl2। लेकिन ये Cl2 अपने आप थोड़ा निकलती है, कहाँ निकलती है बेटा? एसिडिक मीडियम में। तो बेटा जरा देखो, एसिडिक मीडियम करने के लिए उन्होंने कुछ दे रखा है क्या क्वेश्चन में? पढ़ो जरा। एसिटिक एसिड रखा है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का काम क्या है बेटा बताओ? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। तो यहाँ से Cl2 मिल गई। अब आपने Cl2 को किससे रिएक्ट कराया? Ki से रिएक्ट कराया। Ki का मतलब I- से रिएक्ट कराया, तो बेटा क्या बनेगा? Cl- और I2। ठीक है, और Ki कितनी दे रखी है आपको? 30 ml और 0.5 molar। ठीक है, एसिटिक एसिड का जो डेटा दे रखा है ना वो किसी काम का नहीं है, वही कंफ्यूज कर रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में जो आयोडीन निकली उसको आपने रिएक्ट कराया हाइपो से, Na2H2O3। तो I- प्लस S4O6 2-। और आपको ये दे रखा है 48 ml और 1/4 नॉर्मेलिटी। तो बेटा जरा ध्यान से सुने सभी लोग जिनको भी ये डाउट है, और कुछ और भी कुछ बोला है क्या? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो पूरा। 25 ml मिक्स में इतना टाइड्रेशन लिबरेटेड आयोडीन, और आयोडीन को हमने इससे रिएक्ट कराया। ठीक है, टू रीच द एंड पॉइंट द मोलरिटी ऑफ द हाउसहोल्ड ब्लीच। देखो बेटा क्या आपको समझ में आता है? जितने यहाँ बैलेंसी फैक्टर आयोडीन का है उतना ही यहाँ पे भी है। बोलो बेटा यस और नो? दोनों जगह दो दो है, तो जितने इक्वलेंट्स, इक्वलेंट्स में चल सकता हूं मैं, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। जितने इक्वलेंट्स इसके हैं क्या उतने इक्वलेंट I2 के भी होंगे यहाँ पे? लॉ ऑफ इक्वलेंट, क्योंकि बैलेंसी फैक्टर सेम है, जितने इक्वलेंट्स यहाँ पे होंगे उतने इक्वलेंट्स यहाँ पे भी होंगे, और जितने इक्वलेंट इसके यहाँ पे उतने इक्वलेंट क्या Cl2 के भी होंगे? यस। Cl2 के मैं इक्वलेंट निकाल लेता हूँ, तो कितने आ जाएंगे बेटा Cl2 के इक्वलेंट? 12 ml। तो 12 को मतलब ये सॉरी 48 ml है ना, तो 48 ml को 1000 से डिवाइड कर दो बेटा। इक्वलेंट क्या होते हैं? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, और नॉर्मेलिटी है 1/4। तो बेटा कितने आ गए? 12 अपॉन 1000 इक्वलेंट आ गए। इतने ही किसके इक्वलेंट होंगे बेटा? Cl2 के इक्वलेंट होंगे। पूछा क्या है इन्होंने? इन्होंने पूछा है मोलरिटी पूछी है, इसके इक्वलेंट्स आ गए। तो इसके इक्वलेंट्स भी कितने आ गए? 12 अपॉन बेटा जरा ये बताओ, ये इक्वलेंट्स आए हैं, इक्वलेंट्स किसके बराबर होते हैं बेटा मोलरिटी में बताओ? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम दे रखी है ना बेटा, कुछ दे रखा है ना इनको वॉल्यूम 25 ml। हाँ 25 ml ऑफ द हाउस होल्ड ब्लीच। तो इसके एक मिनट रुक जाओ मैं चेक कर लूं, इसके इक्वलेंट जितने आए उसके इक्वलेंट इतने आए, जितने इसके इक्वलेंट आए उतने ही इसके इक्वलेंट आए। जितने इसके इक्वलेंट आए उतने ही Cl2 के इक्वलेंट आए हैं, जितने Cl2 के इक्वलेंट आए
तो इक्विवेलेंस क्या होते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, या मैं नंबर ऑफ मोल्स में देख लू ना सीधा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू बैलेंसी फैक्टर बेटा कितना है, जीरो से जा रहे हो माइनस वन में, तो दो बैलेंसी फैक्टर है क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा, 6/100 आ गए, 6/1000, ये आ गए नंबर ऑफ, जितने सीएल टू के मोल्स है क्या उतने ही ब्लीचिंग पाउडर के भी मोल्स रहे होंगे बेटा, बताओ देखो जितनी क्लोरीन इधर है उतनी क्लोरीन इधर भी है, तो इसके भी मोल्स कितने आ गए बेटा बताओ, 6/100, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। पूछिए मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है बेटा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ठीक है अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 25 ml, तो बेटा 25 ml को 1000 से डिवाइड कर दोगे लीटर में आ गई, तो बेटा 6/25 कितना होता है बताओ, 6/25 0.24 ही होता है क्या, चेक करो 6/25 0.24 इज द आंसर, ठीक है चलो कोई तकलीफ किसी को, 6/25 अच्छी जी भी 0.4 बता रहे, मेरी कैलकुलेशन भी यही बोल रही, ठीक है तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया 0.24, स्क्रीनशॉट लेना हो तो भैया ले लो, आगे बोलो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 6, 7 लास्ट स्टेप फिर से सर, बेटा लास्ट यहां तक समझ में आया, मोल्स निकाल लिए अपन ने, क्लोरीन के मोल्स निकाल लिए, यहां तक समझ में आया, चलो शाबाश, जितने क्लोरीन के मोल्स होंगे क्या उतने ही ब्लीचिंग पाउडर के भी मोल्स रहे होंगे, ऐसे ही देख लो यार, क्लोरीन तो क्लोरीन बैलेंस्ड है ना, तो जाओ यहाँ क्लोरीन आई है वो आई तो यही सही है, तो जितने इधर क्लोरीन के मोल्स हैं उतने ही इसके भी मोल्स होंगे, ठीक है बॉस जो भी आपका नाम है, तो इतने ही इसके भी मोल्स आ गए, अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 25 ml, तो 25 ml को बेटा लीटर में ले लिया, तो मोलैरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है चलो 6, 7 हो गया, पार्ट टू जेई मेन ऑनलाइन पे आओ बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, 6 कौन सा एक्सरसाइज वन का या कौन सा बेटा सर, पार्ट वन का 6, पार्ट वन के 6 में, अरे कल तो बताया था उस दिन, कौन सी वॉल्यूम सही है बेटा बताओ, एक बार रीडिंग आई 12.5, एक बार रीडिंग आई 10.5, बाद में रीडिंग आई है 9, तो बेटा बताओ कौन सी रीडिंग सही है, 9, 9 वाली 3 बार आ रही है ना, तो जो रीडिंग सही है वही तो बार बार आएगी, अरे बेटा यस और नो, ठीक है यस, तो जो रीडिंग सही है वही तो बार बार आएगी, तो वॉल्यूम सही वाली कौन सी लेना, 9 ml ले लो, ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फर्स्ट के ऑप्शन 2 बेटा कौन सा, जेई मेन में बेटा, चलो जेई मेन में सेकेंड बेटा, परमानेंट हार्डनेस ऑप्शन 2 क्यों नहीं होगा बेटा, परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग करने से थोड़ा ना जाती है, टेम्परेरी हार्डनेस बॉइलिंग करने से जाती है बेटा, ठीक है चलो आगे बोलो 4, 5, 6, 7 जेई मेन ऑनलाइन में, 6, 7, 8, 9, 10 कौन सा, थर्ड थ्री ठीक है बेटा, 3 क्या है, अरे ये जेल डाल मेटेड ऑर्गेनिक वाले सर से पूछना, ठीक है जेल डाल मेटेड ऑर्गेनिक सर पढ़ा दिया तो बेटा हो जाना चाहिए, तो हो जाना चाहिए बेटा, ना हो तो एक बार इलेवेंथ में ही पढ़ा दिया गया, इलेवेंथ में था, ना हो बेटा तो फिर से ऑर्गेनिक वाले सर से पूछ लेना, ठीक है फिर भी ना पता चले तो उसे पूछ लेना, और बोलो 9, 10 हो गया, चलो और कोई है क्या, 10 के आगे भी है इसमें, 11, 12, 13, 14, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है आपने, अरे यार आप भैया माइक अनम्यूट करके ही बोल लिया करो, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग इज यूज फॉर द सॉफ्टनिंग और टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वॉटर, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए बेटा क्या करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दो, बोला था ना बेटा, तो क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट है ना, तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा और पानी मिलेगा, पानी पानी भी है कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ, तो बेटा यही पूछ रहे हो ना,
ठीक है चलो ठीक है यार। और बोलो और कोई डाउट? कौन सा? अरे टेन इन कंपैरिजन टू जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट बेटा वो वाला होता है जो आप एनएआर रेजिन वाला लेते थे ना, ये बेटा फैक्ट वेज इंफॉर्मेशन है। जियोलाइट्स आएंगी आपकी सरफेस केमिस्ट्री में। यहाँ पूछा है तो भैया इसको एज अ फैक्ट याद ही कर लो, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इन कंपेयर टू जियोलाइट प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ सिंथेसिस रेजिन। बेटा रेजिन वाले अपन ने कराए थे ना, जो अपन लिखते थे Na2R और Na2Z, ये होते हैं बेटा, ये होते हैं रेजिन और ये होते हैं जियोलाइट्स। ठीक है, काम मोर और लेस दोनों का सेम ही होता है। ठीक है चलो, जियोलाइट वगैरह अपन देखेंगे, सरफेस केमिस्ट्री आएगा तब देखेंगे बेटा। ठीक है, ऐसे ही समझ जाओ यार, कोई दूसरी चीज यूज कर रहे हैं तो ज्यादा ही एफिशिएंट हो रही होगी इसीलिए यूज कर रहे होंगे, बाकी थोड़े दिन इंतजार कर लो, सरफेस केमिस्ट्री में आ जाएगा। और बोलो बच्चों, खत्म हो गया? Yes, sir. चलो भैया yes, चलो शाबाश, अगला होमवर्क लिख लो। एक्सरसाइज टू बड़ी है क्या इसकी? पेपर में तो आ नहीं रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी है। तो पार्ट फोर कर लाओगे क्या? पार्ट फोर कर लाओ इसका। ठीक है, एक्सरसाइज टू पार्ट फोर होमवर्क लिख लो बच्चों, एक्सरसाइज टू पार्ट फोर। सिलेबस आ गया आप लोगों के पास टेस्ट का बच्चों? यस सर। क्या क्या है सिलेबस में? मेरे पास नहीं आया है। और क्या क्या है उसमें? लास्ट क्वालिटेटिव है सर। और ग्रुप 15 16 में तो होएगा? यस सर, ग्रुप 15 16 भी है। 17 18 नहीं है सर। सर कैटायन से क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायन कैटायन ही वो एनायन होएगा, गलत लिख दिया होएगा। तो हमने दोनों लिख दिया ना, एंसन कटाया ना एंसन कटाया एंड करके दिया हुआ है। हाँ पैसा हो जो पीडीएफ आई हो ना, ये उसका मैं कंफर्म करा दूँ। कटाइन तो अभी किसी बैच में पाया ही नहीं गया, जेपी 01 में वो चल रहा है पी ब्लॉक, तो उनको इक्विवेलेंट नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, उनका तो इक्विवेलेंट भी बच रहा है, वो कटाइन नहीं आएगा, गलत लिख दिया होगा। ठीक है चलो, कोई डाउट?